बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी शहर में मौजूद। मजमूई तौर पर बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश होती रहेगी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सुजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन में मार अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से मियां बीवी जान बाहक हो गए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। जिना अस्पताल के वार्ड 22 की छत का प्लास्टर गिर गया। ठटिया मुटियारी बदीन थर पार्कर में भी तूफानी बारिश। सांघर दादू नवाबशाह और मीरपुर खास में भी बादल जमकर बरसे। सिंध और पंजाब में मुसलसल बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर छतें गिरने से अमवात। कराची में गुलशन मेमार अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से मियां बीवी जाबहक हो गए। पंजाब के जिले भावलनगर की तहसील मंचनाबाद में बारिश के बाईस बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 2 अफराद जाबहक, 3 जख्मी हो गए। हैदराबाद में एक शख्स लुकमा अजल बन गया। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के इकदाम के पेश नजर सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। कराची में डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती का तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन मंसूब। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। टट्टा नवाबशाह हैदराबाद मीरपुर खास मटियारी टंडवालया सांघड़ और बतीन समेत दीगर अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाकी अजला के तलबा वालदैन बच्चों के हवाले से परेशानी से दूचार। ताकतवर मानसून सिस्टम के तहत बारिशों का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाकों में मशीनों के जरिए निकासी आप की जाए। पीडीएमएस सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी बिजली की तनसीबात के करीब जाने से गुरेज करें। शहरी अपने साथ टॉर्चेस समेत दीगर जरूरी चीजें रखें। तूफानी बारिशों के पेश नजर बिजली की फराहमी मुनकता हो सकती है। शहरी जरूरी दवाएं और खुश्क राशन भी साथ रखें। अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात का जखीरा करने की हिदायत। याकुंग जुलाई से 27 अगस्त तक बारिश और सैलाब के बाईस मुल्क भर में 245 अफराद जान बाहक हो चुके। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई। एनडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। सबसे ज्यादा 92 अफराद पंजाब, 74 खैबर पख्तूनख्वा में जान बाहक। बलूचिस्तान 22, कश्मीर 6 और जीबी में 4 लोग जान बाहक। पीडीएमएस के मुताबिक 21 जून तक 28 अगस्त तक मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जान बाहक हुए। मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद जख्मी। जान बाहक अफराद में 25 बच्चे, 15 मर्द और 9 खवातीन शामिल। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ठट्टा सजावल और बदीन का दौरा। बारिश के दौरान गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात की। बारिश के बाद निकासी आप का जायजा लिया। शदीद बारिश की सूरत में बल्दियाती इदारे को पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। दरिया सिंध के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। कहा यूरोप और चीन में भी जब हद से ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ भी लोग डूब जाते हैं। वजीर आला की मीरपुर साकरों में 40 मकानात गिरने और 40 जख्मियों की मदद करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर आज क्वेटा पहुंचेंगे। जिराला बलूचिस्तान और गवर्नर इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वजीर आला बलूचिस्तान सूबाई वजरा और अरकीन असम्बली समेत आला अस्करी क्यादत और सिविल अफसरान भी शरीक होंगे। इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में होगा। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात जर के होम स्कीम पर नजरसानी मंजूर होगी। जराए के मुताबिक सी पैक के तहत ताकोट से रायकोट की री अलॉटमेंट की मंजूरी का इम्कान। इजलास में चर्क सदा तेमरकरा रोड के सेक्शन 1 की मंजूरी भी मुतवक्के है। ताजर तंजीमों का कामयाब हड़ताल पर। ताजरों और आवाम से ज्यादा तशक्कुर का मसाइल हल ना हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ सकता है। आज दुकानें बंद की हैं, कल सड़कों पर आ सकते हैं। अजमल बलूच ने कहा कि हड़ताल करके ताजरों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। वैल्यूएशन टैक्स वापस लिया जाए। कराची के ताजर रहमातीक मीर जमील पराचा रिजवान इरफान बोले माजी में भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई। आज छोटी बड़ी दुकानें सब बंद थी। लोगों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ रेफरेंडम का इजहार किया।
हुक्मरान अपनी मराठ छोड़ने को तैयार नहीं। आवाम हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और अय्याशियों के खर्चे मदीद उठाने को तैयार नहीं। ताजरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर्रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कामयाबी का इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन का डी चौक में धरना। तीन रुकनी मुजाकराती कमेटी के राना सनाउल्लाह के साथ मुजाकरात मुकम्मल। जरा के मुताबिक राना सना ने मुजाकराती कमेटी से पीर तक मोहलत मांग ली। राना सना ने कहा कि मुतालिका वफाकी वज़ीर के भाई के इंतकाल की वजह से वो मौजूद नहीं। धरना मौखर कर दिया जाए या कम अज कम किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। मुजाहिदीन का धरना डी चौक से वापस यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान। कराची वालों को बिजली के झटके देने का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने फिर बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेप्रा को लिखा कि एक माह के लिए बिजली 3 रुपये 9 पैसे महंगी की जाए। इजाफा जुलाई 2024 के महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेप्रा कल कराची के शहरियों पर नया बिजली बम गिरा सकता है। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। बैन अल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। मूडीज़ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है, जिसके बाईस पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने के सबब है। इस्लामाबाद में आइडियाज 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई। दिफाई नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगी। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि दिफाई पैदावार का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। आइडियाज दिफाई पैदावार के शोबे की बेहतरी का प्लेटफॉर्म है। दिफाई पैदावार का शोबा मकामी जरूरियात को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। पीटीआई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रडार पर। मौलाना फजलुर रहमान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। खातीन को 5% टिकट ना देने के केस में जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में पीटीआई की मुकम्मल हिमायत के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ से सैनेट की 2 नशस्तें मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 सैनेटर्स के लिए JUI को पीटीआई की हिमायत दरकार है। तहरीक इंसाफ कमेटी ने मामले पर गौर और बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असेंबली का एतमाद खो चुके। इन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू का कि करप्शन के खात्मे के दावेदारों ने रेट फिक्स कर रखे हैं। पैसों पर पोस्टिंग ट्रांसफर भर्तियां तय की जाती हैं। बोले कि पीटीआई को 8 सितम्बर को भी जलसा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में हुए हमलों में कलदम TTP मुलविस है। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी के अक़वामे मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की क़यादत में वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखला आमद पर अक़वामे मुत्तहिदा के वफ़द का खैर मकदम किया। नुमाइंदा खुसूसी की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियात की पुरजोर मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और शहरियों की कुर्बानियों की नज़ीर नहीं मिलती। बेड गवर्नेंस पर हमसे नाराज हो तो कबूल, रियासत से नाराजगी नहीं बनती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब कहा कि आप बलोच परस्ती के नाम पर ये काम कर रहे हैं। बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अफवाज के पीछे फसादी पड़े हैं। जब CPAC में बेहतरी और सरमायाकारी आती है दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि रॉ नहीं चाहती है पाकिस्तान में CPAC का मंसूबा मुकम्मल हो। हमें अल्लाह ताला ने हाफिज़े कुरान से पसलार का तोहफा दिया। हमें आंखें खोलनी होंगी। चैलम से पहले एक साजिश बनाई गई जिसको नाकाम बनाया गया।
अपने नुकसान के जिम्मेदार हैं, कच्चे में नहीं जाएंगे। पंजाब पुलिस के अहलकारों ने राजनपुर कच्चे में ऑपरेशन से इनकार कर दिया। फारूकाबाद कांस्टेबली से रवाना होने वाले 25 अहलकार रास्ते में बस से उतर गए। मुतालिका इंचार्ज ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर बोले के ऑपरेशन के लिए तलब की गई नफरी में से कोई खैर हासिल नहीं। कराची के इलाके शांति नगर के करीब घर में इत्तफाकिया गोली लगने से खातून जा बहक। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त 30 साल शबनम के नाम से हुई। औरंगी टाउन बाबा विलायत अली शाह मजार के करीब गोली लगने से खातून जख्मी। नुमाइश औरंगी पर करंट लगने से एक शख्स जा बहक। सुपर हाईवे के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। इसराइली फौज के गजा में वेश्याना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में 58 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी खबर रसदार वफ़ के मुताबिक गजा जंग में शहादतों की तादाद अब 40,500 से तजावुज कर गए। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद एक फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट शहीद हो गया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ करते हुए 9 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने अक़वामे मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। सरबरा UN वर्ल्ड फोर्ट प्रोग्राम ने कहा कि गाड़ी पर हमले जैसे वाकयात नाकाबिले कबूल हैं। रूस के यूक्रेन पर मुसलसल दूसरे रोज भी फिजाई हमले, 6 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 100 से जायद मिसाइल दागे। रूसी वजीर खारजा कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहेगी। यूक्रेन के मामले पर मगरिब आग से खेल रहा है। मगरिब यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाजत देने पर गौर कर रहा है। ईरान के लिए हमारा पैगाम है कि वो इसराइल पर हमला ना करे। अमेरिका की वार्निंग। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दफा का पाबंद रहेगा। व्हाइट हाउस ईरान के मौके को संजीदगी से ले रहा है। जापान में समंदरी तूफान शानशान जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक क्योशो में परवाजें और ट्रेनें जुम्मे तक मौतल कर दी गईं। जनूबी इलाके क्योशो में तूफानी बारिशें भी जारी, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। समंदरी तूफान से मुतासर होने वाले इलाके से 8 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। साहिली इलाकों में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाइस तूफानी हवाओं, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मुइनुल इस्लाम की सरबराह में 5 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया। कमीशन साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से लापता किए गए अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक 2010 से 2024 तक 700 से ज्यादा अफराद को जबरी लापता किया गया। 5 रुकनी कमीशन 45 रोज में रिपोर्ट पूरी हुकूमत को पेश करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।